सीने से आवाज आ रही है। ओह माय गॉड, ये क्या था? नमस्कार सभी को। और आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं शॉप से आने से के लिए, घर जाने के लिए। और टाइम 7:13 उल्टा दिख रहा होगा ना आपको। हाँ, पर हम बता रहे हैं ना आपको। लाइट भी जल चुकी है इधर, देखो जंगल का क्या हाल है, कितना अंधेरा हो गया। इधर लाइट भी जल चुकी है भाई अब तो, और अंधेरा जंगल में। इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें तो उजाला ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है ब्राइटनेस की वजह से कैमरे में। तो आज हमें अंधेरा तो हुआ क्योंकि मैं सूट सिल रही थी इसका, तो सिलते सिलते टाइम का पता नहीं चला आज तो। हाँ, और पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला कब हुआ। पूरा दिन इसने सूट ही सिला आज। हाँ, और मुझे भी बिठाए रखा, और अभी अंधेरा हो गया है। वो उधर नीचे मेरे को पता क्या बोल रही थी, इधर बैठ जाते हैं। मैंने बोला हाँ, हाँ। उधर नीचे बोल नहीं रही थी कि अब जाने का मन नहीं, डर लग रहा है। बंद कर एक मिनट, छाड़ो तो फिर। मुझे नहीं पता मैंने कब बोला, क्योंकि ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्रूफ दूँ मैं? मैंने कब बोला? बोल, मैं प्रूफ दूँ? हाँ दूँ। खा कसम खा, सच में मम्मी की कसम खा। नहीं, मैं प्रूफ मैं मान नहीं सकती इस चीज़। नहीं नहीं, मुझे याद नहीं। नहीं, मैं मम्मी की कसम खा। बैठने के लिए कब बोला? तूने बोला नहीं, मुझे डर लग रहा है, इधर ही रुक जाते, इधर ही सो जाते। अच्छा, वो रास्ते में बोल रही थी, बैठने के लिए थोड़ी ना बोला था। हाँ, तो सो जाते, डर लग रहा है इस रास्ते से जाने में आज। हाँ, इधर क्योंकि अंधेरा हो जाएगा आज इसलिए। और खुद अब मना कर रही थी ना आपके सामने, अब आई लाइन पे। इसने बोला कि बैठने के लिए बोल रही थी, मैंने बैठने के लिए नहीं बोला। बैठने के लिए बोला था इसने, बैठ जाते इधर सो जाते हैं। बैठने से तो अच्छा ही था ना, सोने से तो अच्छा ही था ना, बैठ जाते। चल ये है कि हमारे साथ दो की चला हुआ है एक। कहाँ गया भाई तू, कहाँ गया? पीछे, मेरे पीछे आ गया। आगे चला गया, ये देखो साथ साथ में चलो हुआ। चलो थोड़ा थोड़ी उल्टी होगी हमारे पास कि ये वापस हो गया। जाता मत इधर आ, चल घर तो छोड़ दे, जंगल ही क्रॉस करा देता। हाँ, सच में काफी शाम हो गई है, हम घर पहुंचने वाले होते थे तो सूट जरूरी था ना इसके लिए। मैंने बोला भी चल सूट पड़ते हैं, जरूरी नहीं है मतलब, चल टाइम से निकलना था, पर एक और हमें बीच में इमरजेंसी एक थोड़ा ऑर्डर आ गया, उसको देते हैं। बुरे हाल हुए, मेरा हाथ भी थक चुका है। मैं इसके पास कैमरा पकड़ाती हूँ, इसी डर के मारे, क्योंकि ऊपर बंदरों की आवाज आ रही है। और मुझे मंकियों से बड़ा डर लगता है सच में। काफी जो है बंदर जो है कुट कुट कर रहे हैं। ये देखो मैं सुनाती हूँ, और बारिश भी लग पड़ी थोड़ी थोड़ी सी। सुबह हम भीगते भीगते आए हैं। हाँ, हमारे छाते दोनों के छाते तो में थे, और आज भी रहने वाले थे। दोबारा से शटर ओपन किया, उसके बाद हम लेके आए। घर वाले भी सोच रहे होंगे कहाँ गई लड़कियाँ, कहाँ गई, टेंशन हो रही है। फोन में बजने शुरू हो जाएंगे की कॉल आएगी। वो तो हमें कितना मना करते हैं कि इस जंगल से मत आए करो, ये वो डांटते हैं सारी फैमिली हमें, पर हम कॉलेज टाइम से इस जंगल से आ रहे हैं। अब हमें आदत पड़ गई है। ओ माय गॉड, चिड़िया एकदम क्लोज ही गई है। और तो हमें थोड़ा डर नहीं लगता क्योंकि हम कॉलेज टाइम से इस जंगल से आते थे। काफी लोग भी होते हैं कि मतलब, पर और कॉलेज टाइम भी हम दोनों के लिए आती थी क्योंकि हमारे साथ कोई था नहीं हमारे सेम इसमें। हाँ, और जो लड़की थी वो भी आती थी, ऐसा नहीं हमारे गांव की लड़की, हम दो ही मिल जाती थी। हाँ, रास्ते में सारे दोनों अकेले आते थे, मतलब मैं भी अकेली, ये अपनी अकेली, हम साथ नहीं आते थे पहले क्योंकि क्लासेस का टाइम जो होता था ना अलग अलग लगता था हमारा, तो इसलिए किसी का मॉर्निंग किसी का इवनिंग, तो इसलिए थोड़ा ये रहता है, डिफरेंट टाइमिंग थी हमारी सारे। मन तो कर रहा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूं। क्यों? डर लग रहा है। अंधेरा हो गया ना काफी। अभी तो हम शमशान घाट से भी निकलेंगे। हाय हाय, क्या बोल रही है लड़की, बोलना क्या, अब देखेगी भी तो कितनी बुरी है ये अंतिम धाम जिसको बोलते हैं, क्योंकि जंगल वही डर लगना तो वही डर रहा है। अब सीधी सी बात है, जंगल में जितना डर लगेगा उस रास्ते से भी निकलने में उतना डर। मैं दिखाती हूँ पीछे बैक का क्या मतलब, हमारे एरिया का क्या गंदा देखो रास्ते में। पर ऐसी बात है कि कैमरे में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि दिन नहीं है, अभी 6 बजे होंगे जैसे।
ऐसा है नहीं यार, पीछे मुड़ मुड़ के डर रही हूं। नहीं मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखना बार जरूरी बार है, देख रही है, देखना जरूरी है, डर लग रहा है। दगल ऐसे दे तो दे दे तो बड़े गंदे हो गए मेरे यार। अभी इसे मत गिनना, छत उठा, पूरा बैग भी तोड़ दिया इसने। फिसलन खा पी थी तो इधर दो। मैं अभी बोल ही रही थी कि हाँ कि यहाँ गिरने का डर रहता है, इस रास्ते से जाते थे इसलिए हम आज सच में हमारे साथ बहुत बड़ी मतलब कि हमारे साथ हमेशा ही होती है कुछ ना कुछ तो घटना हो ही जाती है इस टाइप की, पर इस बार तो कसम से जैसे कि कुछ लिखा ही होता है। गिरते हुए इंसान, गिरते हुए इंसान ऐसे दिखते हैं शर्म के मारे झुकते हुए। पूरा अंधेरा हो चुका है, हमारा फेस भी अच्छे से नहीं दिख रहा है आज तो, और हमेशा मैं ही गिरती हूँ, पता नहीं क्यों ये नहीं गिरती। हाँ। जिस हिसाब से ये गिरी थी ना मेरे को पकड़ के, पर मैंने पता नहीं कैसे अपने आप को संभाल लिया, नहीं तो मैं भी गिरती। लंच बॉक्स उधर फेंक दिया, कपड़े डाल लिए इधर, और ये सारा सामान मेरे हाथों में पकड़ा दिया इसने देखो, क्योंकि वो गिर गया मेरे से और पूरा गंदा हो गया, अगर कस्टमर जो है वो ले नहीं पाया तो फिर वो जो है हमें ही करना पड़ेगा कुछ, इसलिए हम उसको सेफली सामान को बैग में डाल दिया और सारा सामान जो है हमने बैग से निकाल के हाथों में पकड़ लिया अब। और मेरे कपड़े तो गंदे ही हो गए हैं, सबके घर पर लाइटें बल गई हैं, जल गई हैं जोरी, हमारे पहाड़ी में बल गई हैं बोलते हैं ना, तो देखो कितना अंधेरा हो गया, अब दिख रहा है भाई कहाँ मेरे में दिख रहा है, कितना अंधेरा हो गया है। और हम निकल कहाँ से रहे हैं, अंतिम धाम से, ऐसा मत बोला कर, उधर का नाम ऐसे लिया कर। उधर रिश्तेदार हैं और उनको बोलें कि हमें घर छोड़ना, अच्छा हम अंधेरे में हैं, पर ये मान ही नहीं रही है। नहीं इसका पहले ये था कि इनके घर में रह लेते हैं, नहीं मेरा ये नहीं था कि रह लेते हैं, कि मेरा ये था कि मतलब कि हम उनके घर बोल कि बेटा तुम लोग अंधेरे में जा रहे हो और तुम यहीं रह लो, या हमें छोड़ा है, दोनों में से दो ऑप्शन है, एक कर दें पर ज्यादा बेटर ये है कि हम घर पहुंचे, क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं और कम्फर्टेबल और सारे देखो सारा सामान मुझे पकड़ाया ना ये छोटे छोटे खुद मुझे ऐसे चली हुई है, वो कितनी बुरी है ये, पकड़ जल्दी मेरे छूटने वाले ही है ना, उतना तू कर भी दिया कर, फेक सब फेक, ये फेक है, भगवान ये फेक है, ये देखो मुझे लग क्यों रहा है, अच्छा मेरा छाता भी तोड़ दिया है, मैंने तो नहीं तोड़ा, मैंने को इसने से आवाज आ रही है, ओ माय गॉड इसने से आवाज आ रही है, ओ माय गॉड ये क्या था, तोड़ दे इधर तो रेड एरिया आया इधर इधर ऐसा क्यों, इधर रेड एरिया आया ऐसा लगा मुझे, देख इससे आगे जा, ये देख ऐसे रेड एरिया आया ना, पता नहीं एकदम से उधर चल ले यार, डरे हुए हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, देखो रेड आ रही है, राम दूत हतलित वलदावा अंजन पुत्र पवन सुत नामा घर से आई है को बचाया ना कुछ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक को जाकर हतलित वलदावा अंजन पुत्र विक्रम बजरंगी कुंतिन हाथ ध्वज और ध्वजा विराज है कांधे जनेऊ साज, डर लग रहा है इसकी बातों से तो डर लग रहा है मुझे, इसने काफी डरा हुआ हूँ मैं भी, आज फर्स्ट टाइम इतनी डरी हूँ मैं जिंदगी में भाई, डिसीजन इनके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे हम, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि काफी अंधेरा हो गया, घर वाले भाई आ रहा है लेने, इससे आगे नहीं जाएंगे भाई, इससे ऐसी हिम्मत नहीं है अब जाने की, क्योंकि आगे भी थोड़ा जंगल सा रास्ता है, अब कभी लेट भी नहीं होंगे, घास वगैरह पता, हमारी पहली वीडियो ना रेड कलर की बन रही थी, हम इतना ज्यादा डर सच में, उधर जब हम अंतिम धाम से पहुंचे ना तो उधर ना अब बिल्कुल ब्लू होने आ रही है और पीछे से उधर रेड था और मैं इतनी डर गई थी ना, आप भी देखना अगर आया होगा तो बड़ी मुश्किल से भाई, मुझे तो सच में कभी भी ऐसे नंबर जाना अकेले, हाँ और जल्दी आगे क्योंकि अब कस्टमर आए, शाम को मैं उनको बोल दूंगी कल आना, क्योंकि हम स्कूटी मिल चुकी है, अब हम टेंशन फ्री हो चुके हैं थोड़ा सा, पर अभी घर भी जाना है, फाइनली हम घर पहुँच जाएंगे।
The next day. Good morning. और सुबह हो चुकी है, हम शाम को लेट हो गए थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए बाकी की, क्योंकि हम इतने डर गए, फिर जल्दी से खाना खुना खाया मैंने और सो गए हम। ये अच्छा हुआ कि नींद अच्छी पड़ गई हमें। तो अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर घर वालों से इतनी डांट पड़ी ना घर जाके कि क्यों आपकी इतनी लेट और क्यों मतलब कि ऐसा किया तुम लोगों ने, पहले फ़ोन कर देते या सब कुछ आ जाते, तो इसलिए डांट पड़ी हमें घर वालों से। और हम उसी सड़क में पहुँच चुके हैं जहाँ कल फंसे हुए थे, डर रहे थे। और हम कभी लेट नहीं आएंगे, कभी भी लेट नहीं आएंगे हमसे। हाँ जल्दी आ जाया करेंगे और लेट कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम काफ़ी एक घंटा पहले आ जाएंगे उससे भी सच में, पर लेट कभी नहीं आएंगे क्योंकि कल मौसम भी थोड़ा ख़राब था ना इस वजह से थोड़ा वो डर। हाँ और ऊपर से कैमरे, हमने ब्लॉगिंग तो स्टार्ट की थी, ब्लॉगिंग तो स्टार्ट की थी क्योंकि हमें लगा कि हम बनाते जाएंगे तो हमें काफ़ी डर भी नहीं लगेगा और हम बातें भी पता चले निकल जाएंगे। और भाई उधर तो वीडियो की वजह से हमें डर, सच में एकदम रेड हो गया, डर गए हम, डर गए। हमने बहादुरी दिखाई और बहादुरी दिखाई इधर खड़े हो गए, बहादुरी दिखाई इधर, हाँ इधर खड़े हो गए। और फिर यहाँ से हमें अपना भाई लेके गया था, हाँ शुक्र है, हमने कल परसों राखी बांधी थी उसने हमारी रक्षा कर दी भाई बोल सकते हैं, उसने अपना फर्ज निभा दिया। अब मैं आपको वो वाला जगह दिखाती हूँ जहाँ पे मैं धड़ाम से गिरी थी रात को, बैक कैमरा करने उधर से दिखाती हूँ ना, चल देख इधर फिसली हुई थी जगह भी होगी थोड़ी सी, यहाँ वो गिरी ये बैठी हुई थी मैं इधर, वो उधर से गिरी थी वो देखो, हाँ वो जब फिसलन दिखाई दे रही है ना उधर से ना। नहीं गिर के क्यों बताऊँ, फिर से कपड़े गंदे क्यों करूँ मैं, अब तू गिर, मैं तो हमेशा ही गिरती हूँ ना इसको, ना दो दिन बाद फिर गिरेगी, जब ये गिरेगी ना तो मैं ना इसकी वीडियो बनानी है, मैं गिरती तुम हूँ पर इसको लेके साथ में, अकेले नहीं गिरती मैं कभी भी। कब गिरी है बताना, हाँ तो वही तो बात है गिरी नहीं ना चूंगी मैं ना। चलो क्या लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।